Hello everyone, I welcome you all once again in my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about Basel 3 compliance of PSB and RRB. तो RRB और PSB की जो compliance है Basel 3 की वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 12.19 होगा। इससे पहले के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो उनको आप जरूर देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से है। ये एक डेटा है, बेसिकली मार्च 2014 में 13.02% था और 12.75% यानी कि घट के ये सितंबर 2014 में हो गया था 12.75 एंड ये 9% तक आ गया था 2015 में। अब मैं ये डेटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बासेल 3 में कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको क्या होता है, उसको मेंटेन करना होता है बैंक्स को, और ये इंश्योर करता है आरबीआई। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंश्योर करता है इसको। तो ये मैंने डेटा दिया आपको कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो 13.02% था मार्च 2014 में और ये घट के 12.75 हुआ सितंबर 14 में और 9% तक हो गया था 2015 में। और ये कंप्लायंस का पार्ट है, बासेल 3 में बैंकों को CRAR मेंटेन करना होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिक्वायर सब्सटैंशियल कैपिटल टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल कैपिटल बफर। तो ये बासेल 3 का नॉर्म है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनको सब्सटैंशियल कैपिटल मेंटेन करना होता है रेगुलेशन को के क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। और ये क्राइटेरिया इसलिए लगाया जाता है ताकि बैंकों को ओवरऑल लॉस ना हो, बैंक ओवरऑल कहीं अचानक से बैंक को ताला ना लगाना पड़े एंड जो उनका रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके और उनको कुशन दिया जाए, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रिकैपिटलाइजेशन से। तो गवर्नमेंट ने कई बार रिकैपिटलाइज किया बैंकों को ताकि वो जो रिक्वायरमेंट है बासेल 3 का, जो उनको मेंटेन करना था पैसा CRAR के तौर पे, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो मेंटेन करना था, वो उसके लिए रिकैपिटलाइज किया गया क्योंकि बैंक ऑलरेडी फंड स्कार्स थे, उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि ये जो कंप्लायंस है बासेल 3 का जो नॉर्म है उसको कंप्लाई कर पाए वो लोग। तो रिकैपिटलाइजेशन हुआ सिंस 2011-12। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसे याद रखना है कि मान लो एग्जाम में ये आ सकता है कि रिकैपिटलाइजेशन स्टार्टेड इन, तो आपको याद रखना है कि 2011-12 में रिकैपिटलाइजेशन स्टार्ट किया गया था एंड द मेजर रिक्वायरमेंट इसका ये था कि बासेल 3 का जो कंप्लायंस था वो नहीं हो पा रहा था और उस कंप्लायंस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक हाई लेवल कमिटी बनी और उसने सजेस्ट किया कि आइडिया ऑफ नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, उनका ये आइडिया था। देन इन्फ्यूज्ड 3 ट्रांसेस ऑफ कैपिटल इनटू द बैंक्स अप टू मार्च 2015। तो मार्च 2015 तक 3 ट्रांसेस में रिकैपिटलाइजेशन हुआ, वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला जो हुआ वो ₹12,000 करोड़ का हुआ 2012-13 में, 7 PSBs को दिया गया ये पैसा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया गया। देन कुछ 12,517 करोड़ रुपये का अगेन इन्फ्यूज़न हुआ, वो 2013-14 में हुआ और 8 PSB को दिया गया पैसा। देन कुछ 6,990 करोड़ रुपये दिए गए 2014-15 में फॉर एसेट क्वालिटी इफिशियंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैंक। तो देखिए ये सारे पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि बैंकों को एटलीस्ट बासेल 3 का जो कंप्लायंस है उसको वो लोग मीट करें, उसको कंप्लाई करें। तो ये एक डेटा है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि 3 ट्रांचेज में मार्च 2015 तक ये पैसा दिया गया और आपको मतलब आइडिया लगना चाहिए कि रिकैपिटलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है बासेल 3 के कंप्लायंस के लिए एंड ओवरऑल बैंकों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
अब देखिए ये डेटा था मार्च 2015 तक का, ये तीन डेटा था। अब यहाँ पे ड्यूरिंग 2015-16 द गवर्नमेंट रिलीज्ड 19,950 करोड़ रुपये 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ये भी एक डेटा। देखिए इकोनॉमी एक अगर ऐसे ब्रॉडली देखा जाए तो डेटा का खेल है, डेटा को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, मुश्किल है, लेकिन कई बार अगर आपको ये डेटा याद रहता है तो जब आप आंसर राइटिंग करते हो वहाँ पर क्रिस्प आप डेटा डाल देते हो तो उससे बहुत ही वेटेज बढ़ता है आपके आंसर में, इसलिए मैंने ये सारे डेटा दिए हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल कनेक्शन नहीं है इसका। कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है कि बासल 3 का कंप्लायंस करना है, उसमें CRAR मेंटेन करना होता है बैंकों को, और उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पैसा होना चाहिए, और पैसा नहीं होने की वजह से बैंकों के पास रिकैपिटलाइजेशन शुरू होता है। और अभी तक जो हमने पढ़ा वो तीन ट्रांचेज में हुआ। देन 2015-16 में गवर्नमेंट ने अगेन रिलीज़ किया 19,950 रुपये 13 PSB के लिए। फॉर द ईयर 2016-17 25,000 रुपये दिए गए, 25,000 करोड़ रुपये, तो देखिए कितना इन्फ्यूज़न होता है। अब एक मिशन इंद्रधनुष भी है, इंद्रधनुष प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये 2015-16 वाले ईयर के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक को 70,000 करोड़ रुपये देना था मार्च 2019 तक टू इनेबल देम मीट द ग्लोबल रिस्क नॉर्म। बासल 3 का जो नॉर्म है उसके लिए इंद्रधनुष ओवरऑल ये बैंकिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। एक और इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो इंद्रधनुष है। दूसरा वाला जो मिशन इंद्रधनुष है वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बच्चों के जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से उसमें टीकाकरण होता है 7 ऐसे डिजीज के लिए, तो उसके लिए कुछ फंड दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन ये वाला जो इंद्रधनुष है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहीं आप पढ़ो अगर इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष जो मिशन है वो दो चीज़ों के लिए है, एक तो बैंकिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये वाला, और एक जो इंद्रधनुष मैंने आपको बताया कि वो बच्चों का इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि फरवरी 2018 में एफटी सम ऑफ 2.11 लाख करोड़ दिया गया, ये बजट में ही अनाउंस किया गया था 2018 के बजट में। तो देखिए कितना रिकैपिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि बासल 3 का नॉर्म कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल बैंकिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ले जाना है, और उनको इतना लॉस एब्जॉर्बमेंट बना देना है कि वो सारे रिस्क को एटलीस्ट ऑब्जॉर्व कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेटेस्ट CRAR ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इज 13.9%, तो जो गिर के 9% यहाँ पे हो गया था 2015 में, तो अभी लेटेस्ट जो है वो 13.9% है, जो कि अच्छी बात है और इम्प्रूव हुआ है, ये भी एक डेटा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक ऑफ मनी, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपको समझना होगा। अभी तक डेटा चल रहा था, डेटा आपको याद करना है, और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने डेटा बताया आपको कि क्यों ये सब पैसे इन्फ्यूज़ किए गए, गवर्नमेंट ने क्यों इन्फ्यूज़ किया बैंकों में। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था कि बासल 3 का कंप्लायंस कराना था, बैंकों के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने की वजह से उनको पैसा दिया गया बार बार ताकि वो कंप्लाई कर पाए इसको। अब हम लोग जानेंगे स्टॉक ऑफ मनी क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ स्टॉक ऑफ मनी तो ये कहते हैं मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी, जो भी पैसा इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है उसको मनी स्टॉक ऑफ मनी कहते हैं, जितना भी पैसा है उसको स्टॉक ऑफ मनी कहेंगे। अब वो होता कैसे कैसे है, तो इसको मेजर करने के लिए बेसिकली फॉर सुटेबल काइंड ऑफ क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। स्टॉक ऑफ मनी क्यों जानना है, RBI को क्या इंटरेस्ट है स्टॉक ऑफ मनी को जानने में, अगर उसको स्टॉक ऑफ मनी पता होगा तभी तो वो अपना क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से सुटेबल काइंड, मतलब जो बेस्ट सुटेबल हो इकोनॉमी के लिए उस समय के लिए, उसके लिए स्टॉक ऑफ मनी फ्लो को जानना RBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं, इसमें 4 एग्रीगेट्स हैं कॉम्पोनेंट ऑफ मनी जिसको कहते हैं, ये M1, M2, M3 और M4 होता है। अगर इसको ब्रॉडन किया जाए तो इसको कहते हैं मनी 1, ऐसे ही मनी 2, 3 एंड मनी 4, तो शॉर्ट है मनी का ये, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4, इनके बारे में बताऊंगा अभी। मनी ऑफ डिफरिंग लिक्विडिटीज, तो ये जो M1 है वो डिफरेंट लिक्विडिटी का होगा, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। लिक्विडिटी से आप क्या समझते हैं, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास एसेट हो या फिर
कुछ भी ऐसा यू नो मनीटरी टर्म में आपके पास हो जो कि आपको लिक्विड हो, लिक्विड मतलब कि उसको तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो जो जैसे मान लो कैश ही आपके पास, तो कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास लैंड है तो लैंड इज रेस्पेक्टिवली वेरी लेस लिक्विड, वेरी लेस लिक्विड। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है। ऐसे ही अगर आप ओवरऑल देखो तो अगर M1 है तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। अगर आप इधर की तरफ बढ़ते जाओगे M2 उससे कम लिक्विड होगा, M3 उससे भी कम, और M4 बहुत ही कम लिक्विड होगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे M1 है क्या भाई? M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड क्वाइंस विथ पीपल। तो लोगों के पास जितनी करेंसी है और क्वाइंस है, और उसमें प्लस कर दो डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक अगर कहूँ तो मैं क्या होगा, बैंक के पास ऐसा पैसा जो कि डिमांड पे देना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जिसको कहते हैं TD RD, ये सब डिमांड डिपॉजिट होते हैं जो कि ऑन डिमांड बैंकों को देना पड़ता है कस्टमर को, तो ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। देन कुछ यहाँ पे करेंट एंड सेविंग अकाउंट, जो मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट होगा वो भी डिमांड डिपॉजिट में आता है। आपका मेरा अगर खाता सेविंग खाता है तो कभी भी हम लोग पैसा उससे निकाल लेते हैं, अगर करेंट खाता है तब भी हम लोग इमिडिएटली कभी भी चाहे पैसा हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। तो RBI के पास जो भी अदर डिपॉजिट हो वो सारी M1 में आएंगे। M2 में M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एग्जाम्पल सेविंग स्कीम मनी। तो पोस्ट ऑफिस के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है, क्या होता है उनके पास, मोस्टली सेविंग स्कीम्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में लोग सेविंग स्कीम खोलते हैं। तो उसमें M2 में M1 मतलब ये सारा कंपोनेंट आ जाएगा प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं M3 क्या है। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक। मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, M1 में आपको टाइम टर्म डिपॉजिट बता दिया था, वो नहीं होगा यहाँ पे, ओनली करेंट और सेविंग अकाउंट का होता है जिसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और M1 प्लस टाइम एंड टर्म डिपॉजिट में होता है कि जैसे मान लो किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया, मान लो 1 लाख रुपये जमा कर दिए 5 साल के लिए, और 5 साल में उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। टाइम और टर्म डिपॉजिट बोलते हैं इसको बैंक। द मनी लाइंग इन द रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ एंड द फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे क्लियर भी कर दिया गया, तो इसको M3 कहते हैं। अगेन यहाँ पे M4 में M3 ऐड कर लो, मतलब M3 में ये सारी चीज़ें ऐड कर लो, प्लस यहाँ पे टाइम डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऐड कर दो, बोथ डिमांड एंड टर्म एंड टाइम डिपॉजिट, तो M4 हो जाएगा। सेट ऑफ न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट। अब तो ये था पुराना मॉनिटरी एग्रीगेट था, अब नया मॉनिटरी एग्रीगेट आया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या है। 4 मॉनिटरी एग्रीगेट, 4 है इसमें भी, जैसे M0 इसमें नहीं था कहीं भी, अब यहाँ पे M0 आ गया, इसको मॉनिटरी बेस कहते हैं। M1 नैरो मनी कहते हैं, M2 एंड M3 को मिलाकर अगर कहा जाए तो ब्रॉड मनी कहा जाता है। प्लस 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी आ गए हैं, नेमली L1, L2 एंड L3, इनके बारे में जानेंगे, सब कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आगे बढ़ने पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रिजर्व मनी क्या है। रिजर्व मनी को M0 से डिनोट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, तो जो भी ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी करेंसी सर्कुलेट कर रही है वो प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI। तो बैंकर्स का जो भी डिपॉजिट होता है, जैसे बैंकर्स का डिपॉजिट क्या होता है RBI के पास, CRR के तौर में होता है। ठीक है, तो वो बैंकर्स डिपॉजिट ऑफ विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट ऑफ विथ RBI, ये सारे पैसे को मिला दिया जाए तो रिजर्व मनी, जिसको M0 कहते हैं। नेक्स्ट है नैरो मनी M1 होता है, M1 से डिनोट करते हैं इसको नैरो मनी। ये करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, तो जो भी पैसा लोगों के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं, सेविंग और यहाँ पे सॉरी डिमांड डिपॉजिट करंट और सेविंग अकाउंट का पैसा जो कि बैंकिंग सिस्टम में है, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। नेक्स्ट आता है इसमें M2 क्या है, M1 को ऐड कर दो, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक,
तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग बैंक प्लस M1 यहाँ पे नैरो मनी, ठीक है, इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा M2। देन ब्रॉड मनी M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, यहाँ पे M1 होगा प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट अगेन यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपको फिक्स डिपॉजिट नहीं पता है, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं पता है, तो मैं बता दूँ फिक्स डिपॉजिट होता है एक बार पैसा फिक्स कर दिया मान लो आपने और उस पर इंटरेस्ट सेट हो गया कि 7% मिलता रहेगा, तो उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक साल में 1,00,000 रुपये दे दिया, फिर अगले साल 1,00,000 रुपये दे दिया, ऐसे करके आपने 7 साल तक दे दिया और उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट सेट हो गया, उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्रॉड मनी मैंने कवर कर दिया, यहाँ पे M4 इज इक्वल टू M3 को ऐड कर लो ब्रॉड मनी को, प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जैसे उसमें कुछ लेकिन कुछ चीज़ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा दो तो जितना डिपॉजिट बनता है पोस्ट ऑफिस में उसको और M3 को ऐड कर दो तो M4 हो जाएगा। ये थोड़ा आपको बेसिकली इसको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप 2-3 बार इसको रिवाइज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये क्लास थोड़ा सा आपके लिए आपको होमवर्क भी है, होमवर्क भी करना पड़ेगा इसमें। मेरे ओवरऑल सारे क्लास में आप पता नहीं आप कैसे करते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे मैं स्लाइड कंप्लीट करता हूँ यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, और इस स्क्रीनशॉट को आपको रिवाइज करना है, एक बार नहीं बार बार करना है। बिकॉज इससे क्या होगा कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है इकोनॉमी के क्लास में, और इससे आपको पूरा डेटा एक छोटे से पेज में मिल जाता है, जो कि ऐसे आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। और फिर आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको सीधा स्क्रीनशॉट लो और बार बार रिवाइज करो, ऐसे रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें और आपका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि चाहे प्रीलिम्स में आए चाहे मेंस में इससे क्वेश्चन आया फटाफट इसके आंसर दे सकते हो। तो M4 तक हमने देख लिया। अगला पॉइंट है, अब देखिए वर्किंग ग्रुप एक आया था जिसको जिसको चेयर कर रहे थे YV रेड्डी सर, ये 1998 में बना था वर्किंग ग्रुप। इसने प्रपोज किया था कि न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट एक आना चाहिए जिसको NM2 से इन्होंने डिनोट किया, बेसिकली N स्टैंड्स फॉर न्यू, ठीक है, न्यू मनी 2। तो यहाँ पे NM2 क्या है, इसमें करेंसी है, करेंसी जो मार्केट में है, प्लस रेसिडेंट शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम है, इसको अगर मिला दिया जाए तो NM2 बनता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, एक वर्किंग ग्रुप बना, YV रेड्डी साहब उसके हेड थे, उन्होंने प्रपोज किया न्यू इंटरमीडिएट मॉनिटरी एग्रीगेट, ठीक है, इसको कहते हैं NM2। अब न्यू है तो N से न्यू है NM2, और इसका जो इसमें कौन कौन सा पैसा है, तो इसमें नॉर्मल जो करेंसी मार्केट में है प्लस रेसिडेंट का जो शॉर्ट टर्म का बैंक डिपॉजिट है, रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहने वाले लोगों का जो शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट है और जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा नहीं है, वैसे को अगर मिला दिया जाए तो NM2 बनता है। ये इसलिए लाया गया कि एक इंटरमीडिएट मॉनिटरी एग्रीगेट चाहिए था जो कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बीच में हो, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यू ब्रॉड मनी एग्रीगेट भी आया जिसको NM3 बोला गया, इसमें NM2 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट, यहाँ पे रेसिडेंट ही लिखा गया, नॉन रेसिडेंट नहीं लिखा गया, सारे के डिपॉजिट को नहीं डाला गया, तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट एज वेल एज कॉल टर्म बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक सोर्सेज। तो बैंकों का जो जो कॉल और टर्म बोरोइंग है नॉन बैंक सोर्सेज से, उसको और टर्म डिपॉजिट जो रेसिडेंट का है उसको मिला दिया जाए प्लस NM2 को रख दिया जाए तो बनता है NM3। अब एक्चुअली ये न्यू जो मॉनिटरी एग्रीगेट था ना, इसमें 2 चेंजेज आए थे, अगले स्लाइड में बताता हूँ, फिर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सो 2 बेसिक चेंजेस इन द न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट, ठीक है, वो क्या है,
पहला कि पोस्टल डिपॉजिट को हटा दिया गया, पोस्टल डिपॉजिट्स आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। कैसे, आप प्रीवियस स्लाइड में देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी आपको पोस्टल डिपॉजिट नहीं दिखेगा। जो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट में, तो इसमें देखिए फोर मॉनिटरी एग्रीगेट है, M0 है मॉनिटरी बेस, ठीक है। तो रिजर्व मनी बोलते हैं इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक का डिपॉजिट, RBI के साथ जो पैसा, तो कहीं भी यहाँ पे पोस्टल नहीं है। M1 में भी देख लीजिए करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट, यहाँ भी पोस्टल नहीं है। M2 में देख लीजिए सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो यहाँ पे एक सेविंग डिपॉजिट है ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक है ये, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। देन यहाँ पे ब्रॉड मनी में भी देख लीजिए टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, M4 में भी ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे इससे प्रूफ ये हो रहा है कि जो हमने आपको बात की थी कि दो जो बेसिक चेंज आया था न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट में, देखिए यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, ये जो पुराना वाला मॉनिटरी एग्रीगेट यहाँ पे था M1 M2 वगैरह, और ये नया वाला है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो चेंज आया है, टू बेसिक चेंजेस उसमें नए मॉनिटरी एग्रीगेट में, वो है पोस्टल डिपॉजिट आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, पोस्टल डिपॉजिट को नहीं रखा गया है यहाँ पे। दूसरा जो चेंज आया है कि द रेसिडेंसी क्राइटेरिया वॉज अडॉप्टेड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट फॉर कंपाइलेशन ऑफ मॉनिटरी एग्रीगेट, तो रेसिडेंसी वाला क्राइटेरिया आ गया है। पहले ये होता था कि नॉन रेसिडेंसी का जो नॉन रेसिडेंट जो इंडियन होते थे उनके भी उनके जो डिपॉजिट्स होते थे बैंकों में, उसको हम लोग अपने मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते थे, क्योंकि हम समझते थे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हमारे यहाँ के बैंकिंग से नहीं है, हमारे यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं है, तो हम उसको काउंट नहीं करते थे। लेकिन ऐसा है कि बाद में ये देखा गया कि इंडिया में जो फॉरेन जो फॉरेन करेंसी के जो रिमिटेंस हैं, जैसे हमारे लोग जैसे बाहर के देशों में काम करते हैं, उनका जो पैसा आता है इंडिया में, वो रुपी डिनोमिनेटेड भी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो विड्रॉ और हमारे पास आ जाता है तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में सर्कुलेट होता है, मतलब वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, और अचानक से वो लोग पैसा निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। इसलिए इस बार जो रेसिडेंसी क्राइटेरिया है ये इंक्लूड कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया मॉनिटरी एग्रीगेट में, ठीक है। द रेसिडेंसी क्राइटेरिया वॉज अडॉप्टेड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट फॉर कंपाइलेशन ऑफ मॉनिटरी एग्रीगेट, तो लिमिटेड में बता दूंगा आगे चल के कैसे लिमिटेड में, क्योंकि लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ओनली फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, जिसको बैंक का अकाउंट बोलते हैं, FCNRB बोलते हैं, ओनली फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स अकाउंट, मतलब वैसा अकाउंट जो नॉन रेसिडेंट का है और वो फॉरेन करेंसी में है, इंडियन रुपी में नहीं है, जिसको शॉर्ट में FCNR बोलते हैं, डिपॉजिट आर क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेस्टिक मनी स्टॉक, तो इसी को ओनली एक्सक्लूड किया गया है, और बाकी जैसे इंडियन रुपी में जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियन रुपी डोमिनेटेड जो अकाउंट होगा उसको इंक्लूड किया गया है मनी के स्टॉक में, और पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये दो जो बेसिक चेंजेस हुए उसमें इनको इंक्लूड कर दिया गया है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आप फिर से सुन लेना मेरी बातों को। NM1 क्या है आप देखते हैं यहाँ पे, NM1 है करेंसी विथ पब्लिक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और डिमांड डिपॉजिट विथ द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, ठीक है। अगला है NM2 है NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट्स, मतलब जो हमारे इंडियन रेसिडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, तो NM2 उसको बोलते हैं। देन NM3 है NM2 को के साथ लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट, यहाँ पर कहीं भी नॉन रेसिडेंट नहीं आ रहा, ठीक है, ऑफ रेसिडेंट, कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए जो मैंने तीन लिक्विडिटी की बात की थी उसका भी टर्म आ गया यहाँ पे। L1 क्या है, L1 इज इक्वल टू NM3, तो ये NM3 में क्या है, NM2 प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट प्लस कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको लिक्विडिटी 1 कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा L2 इज इक्वल टू L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस,
and refinancing institutions, plus term borrowings by FIs, financial institutions, certificates of deposit issued by FIs. L2 उसको बोलते हैं. L3 क्या है? L3 होगा L2 plus public deposit of non-banking financial company. तो यहाँ NBFC का जो deposit है, public deposit, वो plus L2 is equal to L3. ठीक है. देन कुछ डेटा है. डेटा जो पब्लिश करती है RBI, वो कैसे करती है? RBI डेटा पब्लिश करती है M0 पर वीकली बेसिस पे, M1 एंड M3 पे फोर्टनाइटली, मतलब हर दो हफ्ते में, 14 दिन में डेटा पब्लिश किया जाता है. डेटा ऑन L1 L2 मंथली एंड L3 क्वार्टरली, 3 महीने पे. लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ मनी, जैसे कि मैंने बताया कि M1, M2, M3, M4 है. जैसे M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, ऐसे बढ़ते जाओगे तो आप M2 उससे कम, M3 उससे भी कम, और M4 सबसे कम हो जाएगा लिक्विड. तो M1 टू M2 द लिक्विडिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इन बैंकिंग एंड टिपिकल मॉनिटरी मैनेजमेंट, M3 इज नोन एज मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई, M3 का जो पैसा होता है ना, M3 का जो सप्लाई होता है, उसी को मनी सप्लाई करते हैं. ये पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा. देन हाई पावर मनी क्या होते हैं? हाई पावर मनी ऐसे मनी होते हैं जो कि ऐसे करेंसी होती हैं जो इशू करती हैं सेंट्रल बैंक. हमारे केस में RBI है सेंट्रल बैंक. तो RBI के द्वारा इशू किया गया वो सारा पैसा हाई पावर मनी होता है, इसलिए क्योंकि इसको बैक करते हैं वो लोग, बैक बाय एन इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट कंसिस्ट मेनली गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ऐसा वर्ल्ड में होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है. हम जो फॉलो करते हैं वो MRS फॉलो करते हैं, मिनिमम रिजर्व्स स्टॉक बोलते हैं जिसको, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ठीक है, अगला पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो भी पैसा सेंट्रल बैंक इशू करती है वर्ल्ड में, हमारे केस में RBI, और उसको बैक करती हैं एन इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट कंसिस्टिंग मेनली गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. लेकिन ऐसा बहुत सारी कंट्रियाँ नहीं करती हैं, क्योंकि ये बस पेपर पे होता है. मिनिमम रिजर्व सिस्टम बहुत सारी कंट्रियाँ फॉलो करती हैं, हमारी कंट्री भी MRS ही फॉलो करती है, इंडिया. इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा मिनिमम रिजर्व रखते हैं और कितना भी करेंसी इशू कर देते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी एंड इज इम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट. तो RBI जो है थोड़ा सा मिनिमम रिजर्व सिस्टम रख के और करेंसी कितना भी एक्सटेंट पे दे सकता है. इंडिया का केस में अक्टूबर 1956 में था 515 करोड़, जिसमें 400 करोड़ था फॉरेन सिक्योरिटीज, और ये था फॉरेन सिक्योरिटीज FS लिख देता हूँ, और 115 करोड़ था गोल्ड में. लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसी साल, अगले साल देखा गया कि ये हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक था, इसकी वजह से डिप्लीट कर रहा था हमारे लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए. हमने FS को हटा दिया और हमने 115 करोड़ वाला गोल्ड का ही रिजर्व ओनली मेंटेन करना शुरू कर दिया, और जितना चाहे पैसा छापना शुरू कर दिया. ठीक है, तो 1957 में 115 करोड़ गोल्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हमने करेंसी छापना शुरू कर दिया, और इस करेंसी को बोलते हैं हाई पावर करेंसी, हाई पावर मनी. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, RBI इशूज करेंसी, क्या क्या करेंसी इशू करती है. रुपये 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, 50, 100, 2000. ठीक है, तो ये सारे नोट RBI इशू करती है. ठीक है, और ये होता है 98% टोटल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% करती है. इसमें 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, ये सारे पैसे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. फाइनेंस सेक्रेटरी का बेसिकली उसमें साइन होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है, और ये टोटल 2% होता है. जितनी भी हाई पावर मनी है उसका 2% ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. रिजर्व मनी क्या होता है? रिजर्व मनी RBI का नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट, देन RBI का नेट क्रेडिट टू बैंक. जो भी पैसा RBI देती है बैंक, गवर्नमेंट को, बैंक को, RBI का जो पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, नेट फॉरेक्स रिजर्व, जो भी फॉरेक्स रिजर्व है RBI के पास, $400 बिलियन से ज़्यादा है अभी तो. गवर्नमेंट का करेंसी लाइबिलिटी टू पब्लिक,
ये पांचों को जोड़ दोगे तो नेट निकल जाएगा रिजर्व मनी, नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ आरबीआई, जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इन सबको जोड़ दो तो टोटल रिजर्व मनी निकल जाता है। तो आरबीआई जो भी पैसा गवर्नमेंट को देती है वो भी पार्ट है रिजर्व मनी का। आरबीआई जो भी पैसा बैंक को देती है, आरबीआई जो भी पैसा कमर्शियल बैंक को देती है, नेट फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी जो लोगों के पास है, वो सारे पैसे को जोड़ दोगे तो रिजर्व मनी निकल के आ जाता है। आगे बढ़ता हूँ, क्रेडिट काउंसलिंग क्या है। क्रेडिट काउंसलिंग इज एडवाइजिंग बोरोवर्स टू ओवरकम देयर डेब्ट बर्डन एंड इम्प्रूव मनी मैनेजमेंट स्किल्स इज क्रेडिट काउंसलिंग। तो जो बोरोवर्स होते हैं, आप और हमारे जैसे लोग भी हो सकते हैं बोरोवर्स, कंपनियां भी हो सकती हैं बोरोवर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं बोरोवर्स, तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट काउंसलिंग दिया जाता है, उनके डेब्ट बर्डन के बारे में काउंसिल किया जाता है एंड इम्प्रूव मनी मैनेजमेंट स्किल, उसको क्रेडिट काउंसलिंग बोलते हैं। पहला ऐसा जो क्रेडिट काउंसलिंग बना वो यूएसए का था, जिसका नाम था नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रेडिट काउंसलिंग, NFCC बोलते हैं, ये 1951 में बना था। अगला पॉइंट, इंडियाज सोवरेन डेब्ट इज यूजुअली रेटेड बाय, कौन कौन रेट करता है भाई, फिच रेटिंग करता है, मूडी हमें रेट करता है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, तो फिच की रेटिंग आती है, वो बोलता है कि आपका GDP ऐसे रहेगा, 7.7 रहेगा, 7.5 रहेगा, 6 रहेगा, मूडी करता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करता है जो कि यूएसए का है, डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज करता है हमें, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको JCRA बोलते हैं, और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक टोक्यो भी हमें रेट करता है, हमारे सोवरेन डेप्ट, इंडिया सोवरेन डेप्ट को यहाँ पे रेट किया जाता है। अगला पॉइंट है, इंडिया अंडर स्टेबल कैटेगरी इन फॉरेन एंड लोकल करेंसी बेयरिंग, तो हमारा जो फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी में जो हमारा रेटिंग है वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन फिच एंड SP हमें S&P, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो हमारा रेटिंग देते हैं फॉरेन करेंसी में, वो नेगेटिव का दिया हुआ है उन्होंने। हालांकि हमारा टाई अप इनके साथ चल रहा है कि भाई अब थोड़ा क्लियरली और सही तरीके से रेट करो हमें। क्रेडिट रेटिंग, अब क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, क्रेडिट काउंसलिंग हमने पढ़ लिया। क्रेडिट रेटिंग एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, तो जो भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर होते हैं, जो वुड बी मतलब जो लोन लेने वाले हैं, इसमें इंडिविजुअल हो सकते हैं, अगेन कंपनियां हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो इनका जो मतलब जो ये लोग बोरोवर होते हैं, मतलब ये फ्यूचर में लोन लेने वाले होते हैं, वो क्या लोन दे पाएंगे कि नहीं, प्री पेमेंट उनसे होगा कि नहीं, तो उनका क्रेडिट वर्दीनेस देखा जाता है, ओवरऑल उनका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का निचोड़ देखा जाता है कि कितनी कैपेसिटी है उनमें। ये कौन करता है, तो ये देखिए जैसे इंडिविजुअल कंपनी इवन कंट्रीज का भी किया जाता है, ये क्रेडिट रेटिंग इंडिया का भी हो सकता है, यूएसए का भी हो सकता है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1988 बाई ICICI एंड UTI, तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट रेटिंग को। अब एक एक करके जानते हैं कौन कौन से हैं ये लोग। क्रिजिल है, जिसको अगर ब्रॉडन किया जाए तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। इसका जो प्रोमोटर है वो ICICI एंड UTI है, और इसमें जो कैपिटल है SBI का लगा हुआ है, LIC का लगा हुआ है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लगा हुआ है। ये क्या रेट करता है, ये रेट करता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिवेंचर्स को। इन अप्रैल 2005 इट्स 51% इक्विटी वाज हायर्ड बाय, टेकन ओवर बाय S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो अभी 51% हिस्सा इसका S&P के पास है। अगला देखते हैं इकरा। इकरा क्या है, इसको ब्रॉडन किया जाए तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई IFCI, LIC, SBI एंड सम सेलेक्ट बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेट। क्या रेट करता है, अगेन ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को रेट करता है। आगे बढ़ता हूँ, केयर। केयर स्टैंड फॉर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड,
ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था बाई IDBI एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल कंपनीज टू रेट ऑल टाइप्स ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो हर तरीके के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को ये रेट करता है। ओनिक्रा स्टैंड फॉर ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ओनिडा एक यू नो फाइनेंस कंपनी है, सेटअप बाई ओनिडा फाइनेंस, ए प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस कंपनी इन 1995 टू रेट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नॉन कॉरपोरेट कंज्यूमर्स। तो जो कॉरपोरेट के अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनको रेट करने के लिए, एंड देयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज क्रेडिट कार्ड, हायर परचेज सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस, रेंटल एग्रीमेंट्स एंड बैंक फाइनेंस। तो ओनिक्रा याद रखिए। अगला पॉइंट है इसमें समेरा। समेरा स्टैंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, वॉज सेटअप इन सेप्टेम्बर 2005 टू रेट द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इट इज नॉट ए क्रेडिट एजेंसी, तो ये क्रेडिट एजेंसी नहीं है प्रिसाइजली, बट इट्स रेटिंग आर यूज फॉर दिस पर्पज टू। बट ये जो रेटिंग देता है उसको इस पर्पज के लिए एज ए मतलब बरोवर यूज करते हैं इसको। ए जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी, द लार्जेस्ट शेयर होल्डर 22% है, SBI, ICICI बैंक, दून एंड ब्राड स्ट्रीट एंड इंटरनेशनल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है ये दून एंड ब्राड स्ट्रीट। 5 पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें PNB, BUB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विथ 28% स्टेक टुगेदर, दो सबको मिला दिया जाए तो ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में फिर आ जाता है सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिविजुअल आपके हमारे जैसे लोगों का क्रेडिट स्कोर बताता है। सिविल का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका सिविल का जो स्कोर है वो कम है तो आपको लोन नहीं मिलता है कई बार। तो सिविल इंडिविजुअल लेवल के लिए होता है। ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है ये, और एक्चुअली इसको थोड़ा सा समझ के आपको 2-3 बार रिविज़न करना चाहिए मेरे हिसाब से, याद रखना हो तो। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।